आदत है, मैं पेरेंटिंग पे एडवाइस दिए बिना स्टेज छोड़ता नहीं। जब भी मैं स्टेज पे आता हूँ तो आज भी दो चार बातें, और ये रिक्वेस्ट है मेरी, जिनको अच्छी लगे वो अपने साथ लेके जाएं, जिनको नहीं अच्छी लगे और यहाँ छोड़ जाएंगे। सेट लिमिट्स एंड बी द कैप्टन, बिकॉज बच्चों को जब ये लगता है कि वो आपके हाथ में है तब वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अपने बच्चों को ये महसूस करवाइए कि वो आपके हाथ में है, उनके लिए लिमिट्स, उनके लिए टारगेट्स आपको सेट करने हैं, और फिर देखिए वो आपको एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। स्कूल भी ऐसे ही करता है, लिमिट सेट करता है, टारगेट सेट करता है, और इसीलिए रिजल्ट्स आते हैं, घर पे भी आते हैं रिजल्ट्स। गिव योर किड्स अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल फुल ऑफ व्हाट दे नीड, नॉट व्हाट दे वांट। ये थोड़ा सा फर्क है, व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे नीड, लिटिल डिफरेंस। उस चीज को पेरेंट्स पहचाने, जिस चीज की उन्हें जरूरत है वो उन्हें दी जाए, ना कि ये कि जो भी चीज वो मांगे। तो इस लिमिट को आप अगर डिफाइन कर पाएंगे, बच्चे बहुत अच्छी तरह से ग्रूम होंगे। डेयर टू से देम नो इन केस दे डोंट नीड इट। कई बार हम सोचते हैं चल कर लेने हैं, चल दे देने हैं, दैट मेक्स अ रॉन्ग बिगिनिंग। सो लर्न टू से नो व्हेन यू हैव टू से नो। स्ट्रेस ऑन न्यूट्रिशियस फूड एंड लिमिट जंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। Because healthy and happy kids, nutritious food is the most important thing that as a parent you should focus on. I have always requested my parents to send nutritious food and not to send any kind of junk food. At home also you can prevent your children from eating junk food in bulk. At least 1 hour of outdoor activities for your kids daily, like walking, cycling, bird watching, or just strolling and talking to each other. Give your precious time to your children more than you give anything else, the goodies, the luxuries. Give your precious time to your children because they need it very badly. In today's hyper techno time, when parents in their free time they're busy with mobile phones or laptops, children are alone. And giving mobile phone to the hand of a child is not less than a crime. Very sorry to say this, but this is not less than a crime, giving mobile phone to the hand of a child. Kindly limit it. Instead, like you have been groomed, I have been groomed by our mothers, groom them that way. That was the best way. If you agree with it, kindly clap for your mothers who groomed you in that way. Family dinner without mobiles, involve kids in household chores as per the घर के छोटे मोटे काम में बच्चों को इन्वॉल्व करें, उससे उनको सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी, जो आज के बच्चों में बहुत कम है। उन्हें हर चीज बैठे बिठाई मिलती है, तो शायद ये भी एक रीजन है उनके जिद्दी होने का। अ कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन, 7 to 8 hours ऑफ स्लीप रूटीन, काइंडली मेक इट एंड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट स्लीप रूटीन। टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, डू नॉट ओवर प्रोटेक्ट। मेरा लाडला, मेरा काका, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, सबके होते हैं, हमारे पास खास नहीं है। हमने खास बनाना है तो इस चीज से उनको दूर ले जाना पड़ेगा। Do not carry your kids backpacks. Do not peel bananas for them if they can do it. जो जो काम बच्चे कर सकते हैं आप उनके लिए वो काम मत करें। That is how they will learn to be self-dependent. Let them learn to wait and delay gratification. हम अपने बच्चों को बड़ी जल्दी कोई भी चीज दे देते हैं ये सोच के कि इनको अच्छा लगेगा, तो कई बार वो अच्छा लगना हमें डिले भी करना पड़ता है। कई बार आप डिले कर देंगे तो उससे उनमें पेशेंस आएगा, प्रिजर्वेंस आएगा, और वो वेट करना सीखेंगे। बहुत जरूरी है कि उनको वेट करवाया जाए कभी कभी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोर्डम, बच्चा बोर ना हो मोबाइल ले ले, बच्चा बोर ना हो टीवी लगा दे। बोर्डम भी जरूरी है, हम लोग भी तो बड़े हुए हैं बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, और हमें भी बहुत कुछ आता है, तो हम भी अपने बच्चों को वैसा बना सकते हैं। मेरे ज्यादातर पेरेंट्स क्योंकि छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये दो चार बातें मैं शेयर कर सकता हूं उनके साथ। बी इमोशनली अवेलेबल टू योर किड्स एट ऑल टाइम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो बच्चे ने अपना दुखड़ा आपको रोना हो और आप उस वक्त बिजी हो अपने फोन में, तो फिर शायद वो किसी और के पास जाके रोएगा और वो आपके पास नहीं आएगा, तो उससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा, टीच देम टू ग्रीट, टेक टर्न्स टू शेयर, टू एक्नॉलेज, स्माइल, हग, किसेस, टिकल, रीड, डांस, जंप, प्ले। अगर आपके बच्चे इन चीजों से खुश होते हैं तो आप उनके साथ ये करिए, और यकीन मानिए किसी भी मोबाइल गेम से बढ़ के खुशी देगा उनको, करके देखिए। नेक्स्ट।
DIPS has set a benchmark in education, and we promise to all of you to carry on with this mission of ours. Welcome to the Hub of Learning. Next. Happy and healthy kids. Next. And thank you very much. Next. For your patient hearing. मेरे बच्चे आज यहाँ आपको हर आइटम में कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं. इन्हें पहचानिए, इन्हें अपलोड करिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग यहाँ आए. एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा. फर्स्ट आइटम जो नेचर को डेडिकेटेड थी, द टेल ऑफ ट्रीज, रुखां दी दास्तान, उसमें जितनी भी आवाजें थी वो उन्हीं बच्चों की थी जो परफॉर्म कर रहे थे. उनके लिए तालियां हो जाए.